हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मॉनिटरिंग प्रोसेस एक्टिविटी, जिसमें आज हम लोड एवरेज को समझेंगे और उसी के साथ अप टाइम, LSCPU और टॉप कमांड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अप टाइम कमांड को। ये कमांड इंफॉर्मेशन देता है कि करंट टाइम क्या है, सिस्टम कितने टाइम से चालू है, कितने यूज़र ने लॉग इन कर रखा है और कितना लोड एवरेज है। इस कमांड को यूज़ करना बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ अप टाइम कमांड को रन करना है और ये हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। ये बता रहा है करंट टाइम, ये बता रहा है कि सिस्टम कितने टाइम से चालू है, ये बता रहा है कि कितने यूज़र ने लॉग इन किया है और लास्ट में है लोड एवरेज। ये लास्ट 1 मिनट का है, ये लास्ट 5 मिनट का और ये लास्ट 15 मिनट का। लोड एवरेज को मैं थोड़ी देर में बताऊँगा डिटेल में। अब हम समझते हैं LSCPU कमांड को। इस कमांड के हेल्प से हम CPU से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इस कमांड को यूज़ करना बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ LSCPU कमांड रन करना है। ये फुल आउटपुट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ मेन आउटपुट दिखाया है ताकि मैं आपको लोड एवरेज अच्छे से समझा सकूं। ये बता रहा है कि मेरा सिस्टम में 4 CPU कोर है। इसको मैं डिटेल में प्रैक्टिकल पार्ट में बताऊँगा। अब हम समझते हैं लोड एवरेज को। लोड एवरेज बताता है कि हमारा सिस्टम कितना बिजी है एट अ गिवन टाइम। ये मेज़र करता है एवरेज नंबर ऑफ टास्क जो रन कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं रन करने के लिए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। जितना ज़्यादा लोड एवरेज होगा उतना ज़्यादा सिस्टम बिजी होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय 1 CPU कोर। जब हमने अप टाइम कमांड रन किया था तब हमारा लोड वैल्यू था 0.96, 0.61, 0.41। वर्क डन बाय 1 CPU कोर का फॉर्मूला है 1 माइनस लोड एवरेज डिवाइडेड बाय CPU कोर इनटू में 100। फॉर लास्ट 1 मिनट 1 माइनस 0.96 डिवाइड बाय 4 इनटू में 100 इक्वल टू 76%। ये लास्ट 1 मिनट से 76% काम हुआ है बाय 1 CPU कोर और 24% काम रह रहा है। फॉर लास्ट 5 मिनट 1 माइनस 0.61 डिवाइड बाई 4 इंटू में 100 इक्वल टू 84.75%। लास्ट 5 मिनट से 84.7% काम हुआ है बाई 1 CPU कोर और 15.25% रह रहा है। फॉर लास्ट 15 मिनट 1 माइनस 0.41 डिवाइड बाई 4 इंटू में 100 इक्वल टू 89.75%। लास्ट 15 मिनट से 89.7% काम हुआ है बाय 1 CPU कोर और 10.25% रह रहा है। अब हम समझते हैं टॉप कमांड को। इस कमांड की हेल्प से भी हम लोड एवरेज का पता कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसे मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है, आप वो देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम समझते हैं अप टाइम कमांड को। अप टाइम एंटर, ये बता रहा है अभी का टाइम। अभी टाइम हो रहा है 4 आवर 52 मिनट 25 सेकेंड। ये बता रहा है कि मशीन कितने टाइम से चालू है। मशीन चालू है 6 आवर 52 मिनट से। ये बता रहा है कितने यूज़र ने लॉग इन कर रखा है। अभी सिर्फ एक यूज़र ने लॉग इन कर रखा है। उसके बाद है लोड एवरेज। इसके बारे में मैंने थ्योरी पार्ट में अच्छे से समझा दिया था, वो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम LSCPU कमांड को समझते हैं। LSCPU एंटर, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पे इससे आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल है। यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ CPU कोर कितना है। यहाँ पे वेंडर आईडी, उस मैन्युफैक्चर की आईडी जिसने CPU को बनाया है। उसके बाद यहाँ पे है मॉडल नेम। यहाँ पे बता रहा है थ्रेड पर कोर कितना है। यहाँ पे बता रहा है कोर पर सॉकेट कितना है। ये जो होता है क्लॉक स्पीड बता रहा है मेगाहर्ट्ज में, मैक्सिमम इतना है और मिनिमम इतना है। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे के सारे CPU से रिलेटेड ही होती है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने बताया था कि टॉप कमांड की हेल्प से हम लोड एवरेज दे सकते हैं, इसलिए टॉप एंटर। यहाँ पे आपको अपर राइट में लोड एवरेज दिख रहा होगा। इस कमांड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है,
वो आप देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।